नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में कोरोना से तीसरी मौत। हमीरपुर के मरीज ने नेरचौक अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। ऊना में महाराष्ट्र रिटर्न युवक को कोरोना, खड कोविड सेंटर में शिफ्ट। गोवा से पहुंचे 1486 हिमाचली, ऊना में तालियों से स्वागत। 4 महीने का टोकन और रोड टैक्स माफ, प्रदेश में जुलाई तक मिलेगी छूट। रेड जोन से आने वाले होंगे संस्थागत क्वारंटीन, सैंपल नेगेटिव आने के बाद भेजे जाएंगे घर। सैनिटाइजर घपले के बाद कई महकमों में खरीद पर सवाल, कर्मचारी संघ ने जल्द मांगा एक्शन। बायोमेट्रिक मशीनों के बिना राशन बांटने पर अड़े डिपो संचालक, छूट ना बढ़ाई तो 18 को वितरण बंद। और मैदानी इलाकों में 21 तक साफ रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। हमीरपुर जिला से संबंधित कोरोना मरीज को भोटा से नेरचौक अस्पताल भेजा गया था, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। यह मरीज हमीरपुर के हटली नामक स्थान का रहने वाला था तथा 29 अप्रैल को दिल्ली से आया था। होम क्वारंटीन में 6 मई को इसके सैंपल लिए गए थे। 9 को पॉजिटिव आने के बाद यह 15 मई तक भोटा में रहा। फिलहाल प्रदेश में 75 केस पॉजिटिव हैं। शुक्रवार को कुल 909 सैंपल जांचे गए, जिसमें ऊना का एक मरीज पॉजिटिव आया है। इसमें 121 सैंपल नेगेटिव रहे हैं। कुल एक्टिव केस 34 हो गए हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोविड 19 के खिलाफ जंग लड़ रहे ऊना जिला में एक और पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिससे अब जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। ऊना के हरोली क्षेत्र का 33 वर्षीय युवक 12 मई को ऊना आया था। यह युवक महाराष्ट्र से मोहाली पहुंचा था, जिसके बाद एक बाइक पर ऊना जिला के ही एक अन्य युवक के साथ ऊना पहुंचा था। युवक सीधे अपने घर गया, वहीं इसके बाद इसे पत्नी सहित क्वारंटीन सेंटर पालकवाह में रखा गया था। यहां पर इनके सैंपल लिए गए, जिसमें युवक पॉजिटिव पाया गया, जबकि उसकी पत्नी का टेस्ट नेगेटिव आया है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। युवक को खड कोविड सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है। देश के दूसरे कोनों में फंसे हिमाचली अपने घर लौटने लगे हैं। शुक्रवार को गोवा में फंसे यात्री ऊना पहुंचे तो उनके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। कुल 1486 हिमाचली ट्रेन के माध्यम प्रातः 7 बजे ऊना पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर तैनात सभी कर्मचारियों ने जोरदार तालियों से यात्रियों का हौसला बढ़ाया। इनमें से 397 कुल्लू, मंडी से 415, शिमला से 80, किन्नौर से 1, लाहौल स्पीति से 2, चंबा से 128, कांगड़ा से 322, सिरमौर से 20, हमीरपुर से 53, सोलन से 37, ऊना से 7 तथा बिलासपुर से 24 यात्री शामिल हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जिलावार उतारा गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। सरकार ने पब्लिक सर्विस व्हीकल के साथ गुड्स, एजुकेशनल व प्राइवेट सर्विस व्हीकल का 4 महीने का टोकन टैक्स व विशेष पथ कर माफ कर दिया है। कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, जिस पर शुक्रवार को परिवहन विभाग ने मुहर लगा दी है। इससे परिवहन महकमे को 35 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक के समयकाल का टोकन टैक्स व रोड टैक्स इन वाहनों के मालिकों को नहीं देना होगा। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। लोकल के लिए वोकल बने, लोकल खरीदें और लोकल पर गर्व करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। 5-7 दिनों के बाद उनके कोविड परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। सीएम शुक्रवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निगाह टीम को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा के श्रमिकों को कर्फ्यू में छूट के उपरांत भी कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
राज्य सचिवालय में हुए सैनिटाइजर घोटाले के बाद कई दूसरे विभाग भी निशाने पर आ सकते हैं। कोविड के कारण सभी विभागों ने सैनिटाइजर की खरीद की है। सभी विभागों ने अलग अलग दरों पर अलग अलग कंपनियों से सैनिटाइजर खरीदे हैं। क्योंकि अब सचिवालय में सामने आए मामले की जांच विजिलेंस कर रहा है, ऐसे में दूसरे विभागों की खरीद भी निशाने पर आ सकती है। उधर अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि विडंबना यह है कि देश भर में आए इस संकट की घड़ी में भी सरकारी तंत्र का एक हिस्सा अपने भ्रष्ट कृत्यों को विराम देने को तैयार नहीं है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने बायोमेट्रिक मशीनों के बिना ही कोरोना काल में राशन वितरण करने की छूट मांगी है। अभी 17 मई तक यह छूट सरकार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन अब संचालक समिति ने इस छूट को स्थायी करने की मांग उठाई है, ताकि डिपो संचालक कोरोना की चपेट में ना आए तथा लोगों को भी खतरा पैदा ना हो। इस बाबत जिला प्रशासन हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। यदि छूट ना बढ़ी तो 18 मई को समस्त डिपो राशन वितरण को बंद रखेंगे। तो मेरा आज हमने जो ज्ञापन माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को भेजा है, तो उसमें हमने ये कहा है कि इन आदेशों को जब तक हिमाचल प्रदेश में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इन आदेशों को स्थगित किया जाए, ताकि हमारे परिवार डिपो होल्डर्स व हमारे जो उपभोक्ता है वो सुरक्षित रह सके। प्रदेश के मैदानी इलाकों में 21 मई तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने यह ताज़ा पूर्वानुमान लगाया है। इसके तहत मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में 19 मई तक बारिश हो सकती है। मौजूदा समय में कहीं कहीं बारिश हो रही है, ऐसे में प्रदेश भर में गेहूं की थ्रेशिंग पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में विभाग का दावा सही रहा तो आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में किसानों को राहत मिल सकती है। और अब चलते चलते कृषि विश्वविद्यालय ने नए सत्र के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। छात्रों के पास 31 मई तक मौका। स्कूलों में छात्रों को बताए जाएंगे कोविड के खतरे। शिक्षा बोर्ड ने लॉन्च किया नमस्ते भारत अभियान। सरकार के पास नहीं ठेकेदारों को देने के लिए पैसा। प्रदेश में ठप पड़ सकते हैं पीडब्ल्यूडी के काम। और 1.5 लाख अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा सस्ता राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी। और अब हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं जेरी भरमौरिया की ये प्रस्तुति। दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।